हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे आप लोग चाहेंगे? फिलहाल दोस्तों आपका नेक्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे आप लोग चाहेंगे दोस्तों? फिलहाल हमारा नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों मैं आपको आज बता दूं कि आज कहाँ जाने वाले। फिलहाल अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो रखा है कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, अभी तक कोई चीज़ की पता नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊँ, आज फिर से हमारे राजस्थान का टूर चल रहा है। तो मैंने आपको बोला कि राजस्थान में जितने प्रसिद्ध टेम्पल हैं दोस्तों, मैं जब तक अगर लद्दाख की राइड नहीं कर पा रहा हूँ तब तक मैं वहाँ तक जा राजस्थान की सैर करा दूँ आपको, और राजस्थान के बारे में जितनी जानकारी हो सके दे सकूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। और आज एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है। फिर से आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया होगा, नहीं बोला तो वापस बोल देता हूँ। दोस्तों आज की दिन की शुरुआत हुई दोस्तों लगभग 9:30 बजे से मॉर्निंग में, और देख सकते हो मौसम कितना ठंडा है। देख सकते हो चारों तरफ आप, मौसम इतना ठंडा है कि बारिश चल रही है। राजस्थान में तूफान का जोर अभी तक गया नहीं, 4-5 दिनों से तूफान का नज़ारा चल रहा है। और फिलहाल आज की राइड स्टार्ट करने से पहले जय श्री श्याम, जय हो कार्टून रेस की। दोस्तों इसी के क्रम में चलते हैं। अब अपने राइड स्टार्ट करने के लिए अपनी बाइक ले सकते हो, पीछे है। अब बाइक स्टार्ट करेंगे और आपको आगे की जानकारी मैं आगे देता रहूँगा। आज कहाँ जाने का प्रोग्राम अभी तक दोस्तों कोई फाइनल नहीं हो चुका है कि प्रोग्राम कहाँ का बना हुआ। फिलहाल चलने की तैयारी करते हैं और फिर बताएंगे आगे की। मैं आपको जानकारी बता दे रहूँगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ओके दोस्तों चलो चलते हैं। ये देखो दोस्तों निकल चुके हैं। फिलहाल आज का नज़ारा कैसे होगा इमेजिंग, वो आज का दिन देखते हैं और अभी चलते हैं। क्या फील होती है क्या फील नहीं होती है आज वक्त पर पता पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि निकलना बहुत दूर है। आज बारिश का मौसम तो हो रहा है लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। चलते हैं देखेंगे, चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता आज का नज़ारा। आज तो धूप ज़्यादा नहीं है, ठंडा मौसम है, चिल्ड और इमेजिंग आज का। आज का मौसम बहुत सुहाना है दोस्तों, इमेजिंग। चलो देखते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, देख सकते हो हम निकल चुके हैं। फिलहाल आपको पता है एक फ्रेंड आज फिर मेरे साथ है, बाद में मिलाएंगे आगे आपको कौन सा फ्रेंड आज साथ है हमारे। अभी देखते हैं दोस्तों आज का प्रोग्राम है दोस्तों साला से बालाजी, जो बालाजी टेंपल, जो प्रसिद्ध बालाजी। देखते हैं कितनी दूर है, पहली बार जा रहा हूं दोस्तों, मैं भी कभी गया नहीं था लेकिन आज मैं भी जाऊंगा और आपको भी ले चलूंगा। चलते हैं दोस्तों जय बजरंगबली का नाम लेके, और आज की राइड स्टार्ट करते हैं बजरंगबली के नाम से। और सबसे पहले दोस्तों पता है कि जब अपने को भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, तो गाड़ी को भूख लगेगी तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए पेट्रोल लेना है। तो थोड़ी सी दूर आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल लेंगे और फिर देखते हैं आगे की जर्नी क्या करते हैं, कितनी दूर लगेगी कितनी देर लगेगी अपने को। इधर से साइड नहीं दे पाए, इधर से रहते हैं। आज का दिन भी इमेजिंग है दोस्तों, कितना ठंडा मौसम है, चारों तरफ देख सकते हो बादल बादल छा रखे हैं। और आज देखेंगे क्या होगा, कल जैसे बारिश नहीं आ जाए। दोस्तों आपको कल वाला वीडियो अभी तक आपको नहीं मिला होगा मेरा, लेकिन दोस्तों वो हो सकता है कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कल मैं नाइट में आया था तो मौसम वैसे ख़राब था। परसों वाला वीडियो पेंडिंग में चल रहा था, काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से वेटिंग लिस्ट में लगा हूँ, लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट में नहीं ले लाऊँ। आज हो सकता है नाइट में उसको एडिटिंग करके अपडेट डाल देंगे आप लोगों के लिए। कल का वीडियो, आज का वीडियो कल मिल, आज का वीडियो परसों मिलेगा आपको, सॉरी दोस्तों। यहाँ से पेट्रोल लेंगे। क्या बात है दोस्तों, इतनी ठंडी हवा चल रही, सच में कल वाले दिन याद आ रहा है, लेकिन कल बारिश वाला था और आज ठंडा मौसम सुहाना सा लग रहा है। और ले चलते हैं आज आपको दर्शन कराएंगे बजरंगबली जी के, और करना आपकी मनोकामना पूरी है, मैं आपके लिए भी बोल दूंगा, आप सब लोगों के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी, और आप भी दुआ करना मैं अच्छे से राइड कर पाऊँ। दोस्तों मेरा कहना तो इतना ही है कि
राइड करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन राइड करना इतना कठिन है दोस्तों, क्या बताऊँ। पहले तो बैंक बैलेंस, समय, टाइम, एडिटिंग, यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों कितनी समस्या होती है, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करते हैं ये आपको पता नहीं होगी दोस्तों। चलो दोस्तों आगे की बातें आगे करेंगे, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से पेट्रोल ले लेते हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि दो तीन पेट्रोल मैंने निकाल दिए यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा कहाँ से पेट्रोल लेना कहाँ से नहीं लेना, लेकिन यहाँ से लेते हैं अच्छा पेट्रोल। भाई कह रहा इंडियन वाले अच्छा पेट्रोल देते हैं, चलो अच्छा अच्छा वाला देख लेते हैं आज कैसा लगता है पेट्रोल। मैं हमेशा देखता हूँ ना तो अजीब पेट्रोल लगता है, लेकिन आज यहाँ से लेते हैं। क्यों नहीं नहीं यार इतना मत कर, फुल फुल कर लो। हाँ जी देख लीजिए टंकी छोटी है, मैं कह ये कैमरा है ये तो 38 किलोमीटर है, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी कुछ मतलब तो है ही, यूट्यूब देख लेना टंकी वैसे फूल है, होगी होगी थोड़ा सा ऑर्डर हो गया हो गया, और थोड़ा थोड़ा सा और देख लो, 400 का कर दो, 500 का कर दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, हाँ 500 का कर दो, ज़्यादा क्या करेंगे ढुलेगा इधर से उधर होगा फिर। हेलो दोस्तों देख सकते हो परबतसर सिटी, यहीं से जाना होगा दोस्तों, इधर से रास्ता निकलता और हम लोग परबतसर पहुंच चुके हैं, और अपने को साइड से निकलना होगा, परबतसर से बाहर से चलेंगे, अंदर से तो जा नहीं पाएंगे। क्या करने वाला भैया किधर से चलेगा ऐसे कैसे दबा रहा है, ये देखो परबतसर सिटी है दोस्तों, ये है परबतसर सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, ये नागौर से हमारे को चलना होगा नारायणपुरा, नारायणपुरा से नावा, नावा से नावा से मारवट फिरूजी दाता रामगढ़ सिटी, ऐसे होते हुए दोस्तों अपन पहुंच पाएंगे शाम तक लगभग 2-3 बजे तक। अभी का दोस्तों समय बताऊं तो अभी का समय हो रहा है आपको बता दूं, अभी का तो 11:30 हो रहे दोस्तों, 11:30 बजे हम निकल चुके हैं, 11 बजे निकले थे लेकिन हमारे को धीरे धीरे टाइम होता गया, और ऐसे टाइम निकल जाता आपको पता है ऐसे टाइम निकलता है गाड़ी में वेट करने में आने जाने में। चलो चलते हैं फिर निकल पड़ते अपनी उड़ान की ओर, और देख सकते हो दोस्तों टोल बूथ पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आपको फ़िलहाल पता होता तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे गांव से जहां जाने वाले हैं सालासर बालाजी 140 मतलब 140 किलोमीटर है दोस्तों, तो अभी तक हमने कन्फर्म तक लगभग तो मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस नहीं कितना चल चुके हैं हम, लेकिन फिर भी आगे बताता हूँ। और हमारे को देख सकते हो 140 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और अभी तक हम आ चुके हैं मेरे हिसाब से लगभग 30-35 किलोमीटर आ चुके हैं गाइज, और आगे देखते हैं क्या होता है और आगे ले चलते हैं किधर से निकलेंगे। रोड अभी तक फिक्स नहीं हो पाया दोस्तों हमारा, क्यों रोड अभी तक फिक्स हो नहीं पा रहे क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है कि रोड अच्छी किधर से है। जैसे तो ये मंगलाना टोल टैक्स है दोस्तों, यहाँ से टोल पार कर दिया हमने, और अब आगे निकलते हैं और देखते हैं आगे का स्टॉपेज कहाँ करते हैं, चाय बाय कॉफ़ी के लिए स्टॉपेज करना होगा एक छोटा सा 10-15 मिनट का, तो करेंगे गाइड, क्योंकि इतना लंबा चलना अच्छा भी नहीं होता, बीच में थोड़ा सा गैप दे दे तो अच्छा रहता है। देखते हैं कितने किलोमीटर चले हैं अभी तक, सामने पोर्ट आ रहा है, कितने किलोमीटर अभी चलना हमारे को देखते हैं। देखते थे दोस्तों बठिंडा बता रहा है यार 43.9 बठिंडा अमृतसर, अरे यार इधर से थोड़ी जाएंगे इतना लंबा है, अमृतसर इधर भी जा सकते, अरे यार लद्दाख इधर से निकल जाएंगे अच्छा रहेगा यार, आज रोड अच्छी है अपना रास्ता इलाका रहेगा। चलो आज चलते हैं, देखते दोस्तों यहाँ से ट्रेन सफ़र करते हैं नीचे पुलिया, अच्छा पहले पुलिया नहीं थे यहाँ पर बना हुआ, अच्छा बना रखा है इन्होंने, कंडीशन भी अच्छी है पुलिया की,
देख सकते कितना। तो दोस्तों रोड की बात करूँ तो ये रोड बहुत अच्छी है, कहीं खड्डे फटे नहीं है इसमें, एक अच्छी रोड बनी हुई है। तो क्या करेगा भैया, ट्रक वाले भैया धीरे कैसे कर रखा तो गेट में या धीरे कर दे। ये है ट्रेन की पुलिया, काफ़ी लोग देख सकते हो दोस्तों पहाड़ियाँ कैसी दिख रही है सामने से, आपको दिखाई दे रही है देख लेना दोस्तों, मेरे को दिखाई तो दे रही है कैमरे पर पता नहीं दिखाई दे रही थी। और ठंडा मौसम देख सकते, जंगल इतना अच्छा जंगल है यहाँ पर, क्या बात है यार, लाजवाब है आज का दिन तो। ऐसे मौसम में सच में रियल दोस्तों घूमने का मज़ा बहुत अच्छा आता है यार, बहुत अच्छा। नारायणपुरा दोस्ती, नारायणपुरा धाम बोला जाता है इसको, आगे नारायणपुरा से हमारे को निकलना होगा और राइट के लिए लेफ्ट के लिए देखते हैं, भाई को बोलते पीछे बैठा है उसको पूछते हैं किधर से जाना अच्छा रहेगा, रोड किधर से अच्छी है किधर से अच्छी नहीं है। 10-5 किलोमीटर का कोई फर्क नहीं लगता दोस्तों, बारिश हो रखी है चारों तरफ तो कीचड़ है, नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं अच्छी रोड बन जाए और फिर देखते हैं आगे का रास्ता कैसा होता है, देखते हैं चलते हैं। भाई बोल रहा है कुछ नाश्ता करना है तो थोड़ा बहुत नाश्ता पास्ता हो जाए, सामने एक शॉप है वहाँ चलते हैं नाश्ता पास्ता करते हैं। देखो गाइस कितनी अच्छी हरियाली है दोनों तरफ देख सकते हो रास्ते में, और खुश सफर नहीं है आज को तो देख सकते हो। आज का वीडियो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, समय बहुत बड़ा यार, देखते हैं कितनी दूरी तक समय तय होता है आज हमारा। फिलहाल चलने की तैयारी तो हो रही है लेकिन थक गए यार बाइक से, 140 किलोमीटर में थकान आ गई मेरे को तो सच में, फिर भी चलते हैं देखते कितनी दूरी पर बालाजी महाराज का बुलावा है हमारे को। थक गया यार सच में, गाड़ी बहुत गर्म हो गई, इतनी मार गई गाड़ी, देखते हैं चाय पी के फिर निकलेंगे आगे का रास्ता आगे के लिए। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ से मंदिर जाने के रास्ते की एंट्री हो चुकी है, और जहाँ चल रहे हम सालासर बालाजी के दरबार का आंगन है, और आज आपको दिखाएंगे सालासर बालाजी का दरबार, इंटरेस्टिंग होगा। इन देखिए सालासर बालाजी की गलियाँ कैसी है सालासर की, और देखते हैं आज क्या होता है, कितनी दूर है बालाजी, बालाजी कितनी दूर हो, हम चलते चलते कितनी दूर आ गए, लेकिन आपका नज़ारा अभी तक दिखाई नहीं दिया हमारे को। नो पार्किंग, बाइक की कौन सी पार्किंग होगी भैया, हाँ हाँ ले तो रहे सर, देखते हैं किधर से किधर, आप किधर लेना है, ये लो दोस्तों पहुंच चुके सालासर बालाजी, अब दर्शन करेंगे आपको थोड़ी देर में, देखते हैं मंदिर कौन सा है, मैं पहले बार आया हूँ अपनी लाइफ में। अब किधर जाना भाई, देख सकते हो हम सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं, और फिलहाल देखो ये मार्केट है सालासर बालाजी का जो चल रहे हैं, इतना अच्छा मार्केट है सालासर बालाजी का, और फिलहाल आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा मार्केट, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज, तो मंडे
मंडे सॉरी मंडे दोस्तों, फिर भी देखो इतनी भीड़ हो रखी है, क्या बताऊँ इतनी भीड़ हो रखी है। क्यों देखने का
कह दिया वहाँ कलान भाई, कैमरा बंद करा दिया गया। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। दोस्तों अब होने वाले थोड़ी देर में दर्शन बालाजी महाराज के, देख सकते हो फिलहाल यही दर्शन होने वाले। राम बहुत ज़्यादा रख चुका है, देख सकते हो। ये पीछे सालस बालाजी के मंदिर की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है और मैं यहाँ पर भी आ चुके हैं फिलहाल। देख सकते हो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, यही वो मूर्ति है। इसका इतना अच्छा नज़ारा, इतनी बड़ी है, लगभग ये मेरे साथ कितनी फुट की नहीं, ये 31 फुट की है दोस्तों। देख सकते हो चारों तरफ से गार्डन भी बना अच्छा है, यहाँ पर रह सकते हो आप, अच्छा एंजॉय भी कर सकते हो फिलहाल। इतनी अच्छी शानदार बढ़िया बन गई मूर्ति। हेलो गाइस, देख सकते हो सालासर बालाजी के जो हम बाहर निकले थे तो हमारे को एक चीज़ और दिखाई दी। देख सकते हो पीछे ये जो टैंक बोला जाता है दोस्तों आर्मी के लिए, और ये टैंक है देखो पीछे देख रहे हो आप, देखा होगा आपको ये टैंक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बारे में से सपोर्ट करते। देख लिया आपने सालासर बालाजी, मैंने दर्शन करा दिए लेकिन फिलहाल वहाँ पर बंद था, कैमरा यूज़ नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो भी देखा है अच्छा दिखा है। और इस हिसाब से दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, और फेसबुक से देख रहे हो तो दोनों फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।